वजह से हम VR के जरिए पूरी दुनिया देख पाते हैं। मध्य प्रदेश की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं चांगलांग के डिप्टी कमिश्नर श्री सनी के सिंह। हाय हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अभी विज्ञान भवन में हूँ। एक्चुअली मियाओ का न्यू एज लर्निंग सेंटर को एक अवार्ड मिला है, PM अवार्ड। सिविल सर्विस डे के अंतर्गत ये अवार्ड दिया जाएगा। तो मेरे साथ मतलब कि DC सर भी आए हुए हैं, पाटिन सर और मैक्स भैया। हम लोग अभी दिल्ली में हैं। तो इस ब्लॉग में मैं सब कुछ दिखाऊँगा, मतलब इनोवेटिव चीज़ को मतलब मिला है ये। तो यहाँ पे डिस्प्ले जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस टाइप का मतलब हर एक PM अवार्डी का मतलब यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो मैं हर एक को मतलब अच्छे से दिखाऊंगा, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो गैस यहाँ से इनविटेशन कार्ड दिया गया था और ये मिला। ये है आपका आई कार्ड, आई कार्ड के थ्रू यहाँ पर एंट्री देता है और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होता है। आज भी मतलब कि हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आएंगे, तो कुछ इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा। उसके बाद अवार्ड कल दिया जाएगा, 21। आज है 20। वीडियो को तो डालते डालते थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन कल अवार्ड दिया जाएगा। तो मैं जितना हो सके मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। आप लोग इसी तरह ब्लॉग पे बने रहिए। और ये बहुत ही फर्स्ट टाइम है मेरा मतलब कि ऐसा अवार्ड फंक्शन। तो आप लोग इसी तरह ब्लॉग पे बने रहिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अवार्ड सबको दिखाइएगा। अगर आप लोग अरुणाचल का व्यूअर है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही गर्व वाली बात है ये। तो गाइस आप यहाँ पे जो भी देख रहे हैं इसको आप पोस्ट करके भी देख सकते हैं। ये सब मतलब अवार्डी जितने भी थे सिविल सर्विस डे अवार्ड में, जिनको अवार्ड मिला है उन लोगों का यहाँ पे लगाया गया है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सिविल सर्विस डे 2023 मतलब सिविल सर्विस डे के बारे में हिस्ट्री, थोड़ा सा अंग्रेजी में थोड़ा जानते हैं। सिविल सर्विस वॉर डेट्स बैक टू द ब्रिटिश टाइम, व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिविलियन स्टाफ वेयर इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स एंड वेयर नोन एज पब्लिक सर्वेंट्स। इट्स फाउंडेशन हैज़ बीन लेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लेटर मोर रिफॉर्म वेयर डन बाय चार्ली, एंड सो ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो गैस पे तो जहाँ भी देख रहा था वहाँ पे सारे IAS IPS ऑफिसर ही दिखाई दे रहे थे, मतलब सारे सिविल सर्विस वाले लोग थे, बहुत सारे लोग आए थे। और ये बहुत ही गर्व वाली बात है कि ये जो आप गैस देख रहे हैं ये अवार्ड का जो लगाया गया ऐसा ही मतलब अवार्ड वहाँ पे मिले। ये जो देख रहे हैं ये वाला डिस्प्ले जो ओवरऑल डिस्प्ले है, मतलब जितना भी अवार्डी है सबका डिस्प्ले यहाँ पे एक एक चीज़ किया गया है। हमारा न्यू वेज लर्निंग सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मतलब पूरा देखें शर्ट है। यहाँ पे गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस ऑफ इंडिया अवार्ड इनिशिएटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे न्यू एज लर्निंग सेंटर का देखिए, ये सारे विजयनगर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो वाला फोटोज़ ये है। यहाँ पे ओवरऑल चीज़ दिखाया जाता है, यहाँ पे ये जो डिस्प्ले हुआ है न्यू एज लर्निंग सेंटर का भी दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले। तो कैसे आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सर, जैसे कि एयरफोन लगाए हुए हैं तो ये न्यू एज लर्निंग सेंटर ठीक आगे देखिए, यहाँ पे एयरफोन सॉरी हेडफोन लगा के देख सकते हैं। देखिए ये है न्यू एज लर्निंग सेंटर का डिस्प्ले हो रहा है, काफ़ी सुंदर है। ये मुंबई से जो आए थे वीडियो करने के लिए डायरेक्टर मैडम और कैमरा मैन लोग, तो वही वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा वीडियो है, फेस है यहाँ पे DC सर रिपोर्ट दे रहे न्यू एज लर्निंग सेंटर। बहुत ही बड़ा है ये भवन है विज्ञान भवन। तो ये तो एक छोटा सा इस साइड में पार्ट है, हमारा जो स्टॉल है उस साइड पे लगा हुआ है आगे की ओर, वहाँ जाके अपना स्टॉल का जो फोटोज़ वगैरह लगा हुआ है वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये देखिए PM अवार्ड, यहाँ पे जितना भी सारा मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आप सभी तक पहुँचाऊँगा ताकि आप लोग को भी पता चले। ये जो देख रहे हैं गाइस ये है मणिपुर का, देखिए नॉर्थ ईस्ट साइड का अरुणाचल मणिपुर का है। देखिए गाइस तो राजस्थान का है, वेलनेस
खेलो। ये है अपना बिहार का गाइस, देखिए बिहार में यहाँ पे अभी तक तो मैं दो देखा हूँ, एक ये हो गया, ये है आपका इनोवेशन है स्टार्टअप वाला, तो यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे, देखिए दो देखने को मिला है अब तक बिहार का, ठीक है इस साइड यूपी का भी है। तो गैस आपको कोई सा भी देखना हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं, ये बहुत सारे मतलब मैं छोटा छोटा क्लिप आप सभी को दिखा रहा हूँ। और गैस ये जो देख रहे हैं काफ़ी टाइट चेकिंग होके ऊपर के साइड एक हॉल है आगे की ओर, मतलब जो 13 अवॉर्डी है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 22,000 से भी ज़्यादा लोग मतलब अप्लाई किए थे इस अवॉर्ड के लिए, बस 13 लोगों को ये अवॉर्ड मिला है। चलिए गैस विज्ञान भवन के दूसरी ओर चलते हैं, दूसरे साइड यहाँ पे देखिए पूरा एडवर्टाइजमेंट अच्छे से लगाया गया, मतलब बहुत ही सुंदर से वहाँ पे मेंटेनेंस किया हुआ था, बहुत ही साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा हुआ था, हमें भी अपना घरों को ऐसे ही साफ सफाई से रखना चाहिए। ये है 13 अवॉर्डी का, यहाँ पे जितने भी है सारे मतलब अवॉर्डी लोगों का, देखिए यहाँ पर न्यू एज लर्निंग सेंटर लिखा हुआ है, लर्निंग सेंटर ये है, यहाँ पे देखिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लैपटॉप का यूज़ किंडल का यूज़, ये कर दो यहाँ पे वो लगा रहा है, पहेली को मिला रहा है, CPR दे रहा है मयंक का दीदी, उधर मयूर भैया और वो भाई पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा मिस्टर तादोरियांग यहाँ पे ड्राइंग पेंटिंग शायद बना रहा है। यहाँ पे सारे बच्चे VCR सेट का फ़ायदा उठा रहे हैं, और यहाँ पे मिखोन चेस खेल रही है, यहाँ पे पूरा एकदम बच्चे मुझे से बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे KV के दो टीचर, मतलब यहाँ पे फ़ोटो आना बहुत ही भाग्य वाला चीज़ है, क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में कुछ ही है जिनको मिला है। गाइस ये सब बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब इसको आप पोस्ट करके देख सकते हैं, इन्हें भी अवार्ड मिला है, टोटल 13 लोग जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था। और विज्ञान भवन के अंदर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये दुर्गा माँ का ये स्टेचू यहाँ पर लगाया गया है, काफ़ी सुंदर सा है, मतलब रियल में आप जब देखेंगे तो मतलब कि बिल्कुल अलग है, मतलब बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, फुली नेचर का यूज़ करके, मतलब नेचुरल चीज़ का, मतलब बायोडिग्रेडेबल चीज़ का। यहाँ पे जितने भी अवॉर्ड वाले यहाँ पे जो डिस्प्ले किया गया है, जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, वहाँ पे हर जगह में मतलब कि ऐसा एक मॉनिटर लगा हुआ था, वहाँ पे आप देख सकते हैं, हेडफोन लगा के सुन भी सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा था। तो आप लोग गाइस ये सब देख के लुत्फ उठा सकते हैं, तो उसके जस्ट एंट्री करते हैं, उसको जस्ट सीधा सीधी जो एक सीढ़ी आपको दिख रहा था पहले, तो वो सीढ़ी से मतलब एक तो हॉल की ओर जाता है, यहीं पे मतलब अवार्ड दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो हमारे जगदीप धनखड़ सर जो कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सर हैं, उनका यहाँ पे आगमन हुआ है, उनका सेशन चल रही है, तो आप लोग ये देखिएगा, काफ़ी सुंदर सा वीडियो भी डिस्प्ले चल रहा है। और गाइस यहाँ पे देखिए कि यहाँ बुक का इनोग्रेशन हो रहा है जगदीप धनखड़ सर के तरफ से। और गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिनको पता नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इंडिया का सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया उनको मतलब माना जाता है, फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। एंड माय ग्रीटिंग्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सोनेल। और गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी अवॉर्डी है जिनको कल अवार्ड मिलेगा प्राइम मिनिस्टर सर के मतलब हाथों से, उनका यहाँ पे DD न्यूज़ की तरफ से, मीडिया की तरफ से यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है। जितने भी अवॉर्डी है, जितने भी सिविल सर्विस के लोग हैं, यहाँ हमारे सनी सर जो कि बहुत मेहनत किए, मतलब ये अवार्ड के लिए जब कल अवार्ड दिया जाएगा तो आप लोग देखिएगा, सर बहुत ही मेहनती है और बहुत कुछ किए हैं ये म्याओं के लिए, और जहाँ अभी चांगलांग के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो सर भी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, सब लोग मतलब सब लोग का इंटरव्यू यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, जितने भी IAS IPS जितने भी सिविल सर्विस वाले लोग हैं ऑफिसर्स, उनका यहाँ पे अवॉर्डी वाले लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, तो ये भी मतलब रिकॉर्ड करके TV में दिखाया जाएगा, जो कि ये नेशनल मीडिया है। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के, मतलब कि बहुत ही गर्व वाला फील हुआ, और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं सबको गर्व वाला फील होना चाहिए। तो गाइस अगर आप लोग फेसबुक व्यूअर है तो आप लोग ये जो ऊपर लिंक दिख रहे हैं उसमें जाके आप लोग यूट्यूब में मेरा सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, ताकि मुझे आने वाले वीडियो में भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मुझे सपोर्ट मिले मतलब बनाने में। नाम
तो गाइस अभी हो गया टी ब्रेक और काफ़ी मतलब कि अच्छा व्यवस्था यहाँ पे किया जाता है विज्ञान भवन में गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत ही अच्छा मतलब होटल मैनेजमेंट के बच्चे लोग मतलब यहाँ पे सर्व अप करते हैं, उन लोग का प्रैक्टिकल होता है शायद। अंदर नटराज महादेव का मतलब यहाँ पे मूर्ति देखने को मिला था, काफ़ी सुंदर सा है मतलब ना, यहाँ पे पूरा एकदम फाउंटेन ये वगैरह ये सब बहुत सुंदर क्लीन रहता है। मतलब जितने भी फ्लावर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं विज्ञान भवन में, सारे के सारे फ्लावर्स पूरे ओरिजिनल है। मतलब मैं तो दूर से तो नकली सोच रहा था, जब पास से जब जाके देखा था पूरा ओरिजिनल था। मतलब ये सब जितने भी पेड़ वेड़ देख रहे हैं सारा कुछ ओरिजिनल है, मतलब कुछ भी यहाँ पे ये डुप्लीकेट प्लास्टिक वाला वैसा नहीं है, मतलब सारा ओरिजिनल यहाँ पे लगा हुआ है दूर से। मतलब आगे भी जितना आप देख रहे हैं वो स्टेज के पास में, वो सब सारे फ्लावर्स भी मतलब कि ओरिजिनल फ्लावर्स हैं। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं ये पीछे जो है बिल्डिंग बड़ा सा, यही काफ़ी सुंदर सा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा है ये। यहाँ पे शायद कैप्चर भी नहीं हो रहा है इतना, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखिए कितना बड़ा सा ये भवन है, काफ़ी सुंदर सा ये विकसित भारत यहाँ पे लिखा हुआ है, विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन रिसर्च द लास्ट माइल। काफ़ी सुंदर सा ये यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये एंट्री डोर है, साइड से भी एंट्री होता है, ये एक्चुअली एंट्री डोर है। गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से हम लोग आते हैं, काफ़ी सुंदर सा मेन रोड है, काफ़ी सुंदर सा ये प्लेस है। यहाँ पे हम लोग फोटो शूटिंग वूटिंग किए हैं, अभी जा रहे हैं बाहर की ओर, थोड़ा घूम के आते हैं कि अंदर काफ़ी देर तक खड़े रहे हैं तो काफ़ी थक चुके हैं, तो बाहर की ओर जा रहे हैं। यहीं से हम लोग आए थे द नेक्स्ट डे। तो गाइस गुड मॉर्निंग, आज के दिन अवार्ड मिलने वाला है। इस सेशन काफ़ी मतलब छोटा सेशन रहेगा, कल तो बहुत ही शाम हो गया था, हमारा थोड़ा सा पेट खराब हो गया था इसलिए हम लोग होटल चले गए थे। मतलब तो उसके बाद भी थोड़ा सा प्रोग्राम था, तो आज का ये सेशन अवार्ड सेशन है, प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। मतलब कि मेरा ऐसा था कि मैं सपना देख रहा हूँ ऐसा लग रहा था, क्योंकि इतने पास मतलब नरेंद्र मोदी जी को देख रहा था। मतलब कैमरे में तो दूर लग रहा है लेकिन रियलिस्टिक में मतलब रियल में थोड़ा सा पास लगता है मतलब देखने में, जैसे कि आप सभी को पता ही है ऑलरेडी। तो मोदी जी बिल्कुल आगे में थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। जितने भी IAS IPS लोग हैं, सारे सिविल सर्विस ऑफिसर लोग हैं, मतलब ए ग्रेड ऑफिसर लोग, सारे लोग आगे बैठे हुए थे और मीडिया वाले भी कवरेज ले रहे थे। काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे माहौल था। और इसी सच के सम्मान का जो प्राइवेट विद्यालयों में फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटियाँ हमारे इस गाँव के विद्यालय में उपलब्ध है। ऐसे कई सवाल जो मन के ब्लैक बोर्ड पर कब से लिखे थे, उसे नई नीतियों ने सदा के लिए मिटा दिया और उनकी जगह नई सोच की नई लॉ चला दी। हमेशा हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमारे गांव के स्कूल पर हमें गर्व होता है। इस नई रोशनी में जो दिख रहा है वो कभी सपना ही तो हुआ करता था, जिसे अब रचने की सच करने के नए नए रास्ते मिल गए हैं। ये नए नए तरीकों से नए नए आयाम तय करना, अब हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, सही से काम कर सकता हूँ, नई नई बुलंदियों पे पहली दफा पांव रखना। मिशन यू की वजह से ही जम्मू एंड कश्मीर के 1000 युवा वो आज किसी न किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। पहली दफा इनोवेशन का रेवोल्यूशन बनना और भविष्य की हर चुनौती का सलूशन ढूंढना। रामपुर में अब बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। ये सब सपना ही तो था जो वैध था सोच की शिथिलता में। जो औरत है जो हाथ भट्टी में काम करती थी वो अभी सम्मान के साथ ये काम कर रही है, अब आजाद है, गतिमान है। यहाँ पे आने की वजह से हम VR के जरिए पूरी दुनिया देख पाते हैं। संकल्प की सिद्धि में, समग्र समृद्धि में अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला को देश का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। जन चेतना की नई जागृति में, प्रगति की नई संस्कृति में। जो लड्डू हम आज बना रहे हैं वो हम बच्चों के लिए एनीमिया और मैलन्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए कर रहे हैं। जो रच रहा है अमृत काल का आगाज और कह रहा है विश्व से हम सब हैं भारत, जहां हर सपना होता है सच।
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं कुछ ही अवार्ड दिखाऊंगा आप सभी को। और हमारा जो न्यू एज लर्निंग सेंटर पूरा नॉर्थ ईस्ट में, गाइस हमारा ही एक स्टेट था अरुणाचल प्रदेश, वो भी अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का न्यू एज लर्निंग सेंटर जो कि मियाओ में बना हुआ है, इनको मिला। बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था ये, सारे लोग देख रहे थे, मतलब जब अरुणाचल का नाम ले रहा था, काफ़ी गर्व वाला दिन था ये। हम लोग काफ़ी भावुक हो चुके थे, मतलब देख के। 13 अवॉर्डी में से एक अवॉर्डी हमारे सनी किशन सर थे, वो भी हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के। ये काफ़ी मतलब कि गर्व वाली बात थी हमारे लिए, सर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए इस अवॉर्ड के लिए, सर को सैल्यूट है इसके लिए। तीसरा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है चांगलांग अरुणाचल प्रदेश के न्यू एज लर्निंग सेंटर को। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में न्यू एज लर्निंग सेंटर यानी NALC के द्वारा लाया है अभूतपूर्व बदलाव। यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ई लर्निंग के माध्यम से एक ही छत के नीचे फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी, पेंटिंग, फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग और स्टोरी टेलिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। NALC द्वारा बच्चों को सिखाने की एक नई पहल के लिए टीम को शुभकामनाएं। न्यू एज लर्निंग सेंटर इनिशिएटिव के लिए जिला चांगलांग अरुणाचल प्रदेश की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं चांगलांग के डिप्टी कमिश्नर श्री सनी के सिंह। पुरस्कारों की अगली श्रेणी है हर घर जल योजना की। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश के 2 जिलों को यहां पुरस्कृत किया जा रहा है। इनमें पहला जिला है तमिलनाडु का कांचीपुरम। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले ने हर घर जल अभियान के माध्यम से 100% घरेलू नल कनेक्शन की मंजिल को पा लिया है। आज अश्योर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी, प्रिस्क्राइब्ड वाटर क्वालिटी और वाटर सिस्टम और सिक्योरिटी की सस्टेनेबिलिटी ने हर घर शुद्ध जल की पहुंच प्रदर्शन किया है। इनमें पहला जिला है जम्मू और कश्मीर का जिला बारामूला। जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने लिखी है सफलता की अभूतपूर्व कहानी। कल तक दूध की कमी वाला ये जिला आज मिल्क सरप्लस है। खाद्य तेल, सेब, सब्जी और शहद के उत्पादन में भी इसने छुई है नई ऊंचाई। बच्चों के स्वास्थ्य की पूरी सुरक्षा, मॉडल और स्मार्ट स्कूल अब इसकी नई पहचान है। इस सफलता के लिए टीम को शुभकामनाएं। जिला बारामूला की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मेरी बात पे आपको भरोसा होगा। हो सकता है कुछ लोग न भी मानते हो, वो भाग्यशाली नहीं है। अपनी अपनी सोच, हर किसी को मुबारक। आपको इस कालखंड में पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है उसने जितेंद्र सिंह जी, आभार प्रधानमंत्री महोदय के सलाहकार डॉक्टर VK मिश्रा, आभार कैबिनेट सचिव शताब्दी गोबा जी का, आभार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के। तो गाइस आज है दूसरा दिन का प्रोग्राम और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ, फाइनली एंड हुआ। अभी लंच करके हम लोग वापस जाएंगे। मैं आप सभी को यहाँ का व्यू दिखाता हूँ सामने से, यहाँ पे PM सर ने का पीछा करता है और उसे मिटा नहीं मानता है। सब लोग फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है।
तो गाइस जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था, ये जितने भी फ्लावर्स है देखिए, ये रोज डिफरेंट कलर्स ऑफ रोज, येलो रेड, सारा ओरिजिनल है। काफ़ी सुंदर सा खुशबू आ रहा था यहाँ से, काफ़ी मतलब कि सुंदर सा ये वातावरण था। आप लोग टीवी में देख रहे तो शायद आप लोग को लग रहा होगा कि ये नकली है, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर्स थे। जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं सब लोग आईएएस ऑफिसर लोग, सब लोग अपना जो कि अवॉर्डी है, क्योंकि सपोर्टिव है, अवॉर्ड के लिए रुक रहे हैं। सुंदर सा ऑडिटोरियम है इनका। ऐसे जितने भी आप फ्लावर देख रहे हैं उसे तो नकली लग रहा था, लेकिन ये सारे ओरिजिनल फ्लावर्स हैं। काफ़ी अच्छा है ये फ्लावर्स, देखिए ओरिजिनल फ्लावर्स हैं। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। यही है भवन, यहीं पे अवॉर्ड हुआ था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।